क्चर लेक्चर हमने अपनी वीडियो के अंदर पिछली वीडियो के अंदर गुडविल को डिस्कस कर लिया था उसकी डेफिनेशन को हमने ये भी पढ़ लिया था कि भाई अगर आपका मार्केट में जो बिज़नेस है चल रहा है और जो बिज़नेस की जो वर्थ है मार्केट में सही है वो डे बाय डे क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है तो इसका यह हरगे ही मतलब नहीं है कि आप अपने गुडविल को भी इंक्रीज़ कर दो जो कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड की थी हुँ? उसको इंक्रीज नहीं करना क्यों हमें आई एफ आई एस ऐसा करने से मना करता है सर क्या कहना चाह रहे हैं आप मैंने आपको वही कह देता हूँ कि जब ए ने जब ऑर्गेनाइजेशन ए ने जब ऑर्गेनाइजेशन बी को एक्वायर कर लिया खरीद लिया तो अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गए सही है क्योंकि क्योंकि अब बी किसका हो गया ए का हो गया तो अब ये अब ये एज अ होल एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो गया ए ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो गुडविल रिकॉर्ड की थी वो कितने की की थी 50 से क्यों रिकॉर्ड की क्योंकि ये गुडविल अरराइज हुई थी एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बी लेकिन कुछ महीनों में ऐसा हुआ कि ए ने गलती से अपने बहुत सारे कस्टमर को एक्सपायर सामान बेच दिया एक्सपायर सामान बेचने की वजह से कस्टमर ने ए से खरीदना कम कर दिया अब यहाँ पे जो ए की जो मार्केट की जो वैल्यू थी बिजनेस की वो कम हो गई सही है तो अब आई एफ आर एस आई एस हमें कहता है कि भाई अभी आपने इसको इम्पेयर करना है अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इस पर रिकॉर्ड नहीं हो सकती सर क्या कहना चाह रहे हैं और एक्सप्लेन करें फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो गुडविल अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड है वो है फिफ्टी पे अभी आप मार्केट में जाए और कहें कि और कहें कि कोई मुझसे आए मेरा बिजनेस खरीद लेना बी का तो तो टर्ड पार्टी आपसे कहे कि भाई आपसे बिजनेस खरीदूंगा तो लेकिन मैं आपको आपकी बिजनेस के गुडविला पचास रुपए हरगे नहीं दूंगा क्योंकि तो आपकी आपका नाम मार्केट में इतना नहीं है आपका नाम मार्केट में गिर चुका है तो कैरिंग वाली कितनी है 50 से जिस पे आपने रिकॉर्ड किए और रिकवरेबल अमाउंट रिकवरेबल से रिकवर हो रही है वो कितनी है 30. इन दोनों का बाकी हम आई एस थर्टी सिक्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अच्छा सर गुडविल रिकॉग्नाइज कब करनी चाहिए गुडविल हम कब रिकॉर्ड करें तो गुडविल इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉगनाइज वेन एवर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस टेक प्लेस नेवर विल कैन टेक प्लेस यानी ऑर्गेनाइजेशन ए नया 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 एक बंदे ने सही है और हम कहते हैं चलो ऑर्गेनाइजेशन ए है उसने नया नया दुकान खोला है एक मोहल्ले के अंदर अब आपने खुद से दुकान खोला है भाई तो आप अपने खुद से कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे जज करेंगे लेकिन इन द फ्यूचर अगर आप किसी थर्ड पार्टी की दुकान को खरीदे सही है ए गया ए ने बी की दुकान को खरीद लिया तो जो बी का जो गुडविल था सही है वो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे सही है वो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और फिर आप इसको बाय द टाइम देखते जाएंगे कि पे करना है या नहीं करना क्योंकि एनहेंस आप कर ही नहीं सकते अच्छा गुडविल को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं एक है फुल गुडविल मैटर्स और एक है प्रोपोर्शन मैटर प्रैक्टिकली प्रोपोर्शन यूज होता है सही है लेकिन आपके ज़्यादातर सवाल के अंदर एस सी एस सी एस के अंदर यही फुल गुडविल मैटर अप्रोच फॉलो की जाती है अच्छा सर फुल गुडविल हमें कब इस्तेमाल करना है फुल गुडविल आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको सवाल में कह दिया जाए कि भाई ऑफ गिवन जब आपको फेयर ऑफ एनसीआई दी हो सवाल में यहां पर एनसीआई मेजर आ रहा हो फे वैल्यू पे सर ये एन क्या होता है सर सर ये एनसीआई क्या होता है सर ये क्लियर कर दे अभी बताता हूं ये क्या है ये है ऑर्गेनाइजेशन ई e. सपोज कर ले ये ई e क्या है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये जेड क्या है ये भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सही है जेड ने मार्केट में अपने शेयर इशू किए थे तो ई e ने जेड के 75 परसेंट शेयर खरीद लिए जब ई e ने जेड के 75 परसेंट शेयर खरीद लिए ना तो हमें कह सकते हूँ कि e क्या बन गया e बन गया एक पेरेंट कंपनी और जेड क्या बन गया जेड बन गया सब्सिडी तरह हमने बेसिक के पार्ट वन के अंदर सीखा था अब सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर तो इन एक्वायर कर लिए है ट्वेंटी फाइव परसेंट किसके पास है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो फिर अदर के पास है अदर्स अच्छा सर जो अदर्स है सही है ट्वेंटी फाइव परसेंट जो शेयर है स्टेक होल्डिंग है वो अदर के कंट्रोल में है वो आपके कंट्रोल में नहीं तो जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है उसको हम कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्योंकि जो, जो शेयर मिलता है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है आपको उसका, आप आपका उसका, आप पे उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पाया जाता है लेकिन 25 परसेंट शेयर ऐसे शेयर जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो जब जिन शेयर पे आपका कंट्रोल नहीं है हम उसको कहते हैं एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कि भाई पेरेंट ने जितने शेर रिक्वायर किए तो किए जितने शेर रिक्वायर नहीं किए उन पर किसी और कहा कि वो कोई और कौन है वो अदर्स के नाम से हम उसे जानते हैं और उनके जो वैल्यू वगैरह है हम उनको एन का नाम देते हैं उम्मीद करता हूँ वालों को समझ आ गया होगा